So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और यार आज जो हम पढ़ने जा रहे हो हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 की ये थर्ड वीडियो है और बड़े इंटरेस्टिंग वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ चुके हैं हमारे। चले इनको पढ़ते हैं। तो अब जो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्या कह रही है, A N A B की जगह पे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हमारे कोई भी रजिस्टर्स आ सकते हैं ना, B C D E H L है ना, कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब है एंड कर दो B को। अब फिर पूछोगे तुम वही वाला क्वेश्चन कि यार A की चीज दे रखी है यहाँ पे तो, है ना, दूसरी चीज हमारा दूसरा इनपुट किधर से मिलेगा, हमें दो इनपुट्स की जरूरत है ना। तो इनके अंदर भी जो हमारा एक्यूमुलेटर है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है, एक्यूमुलेटर इज फिक्स्ड। साथ में हमारा जो रजिस्टर है वो यहाँ से मिल जाएगा हमको इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो अब जब भी हम एंड करते हैं, ठीक है, ये जो है मैंने ट्रुथ टेबल लिख रखी है हमारे एंड गेट की। तो देखो जब भी हमारा दोनों इनपुट्स हाई होंगे यानी कि 1 1 है तभी हमारा 1 आ रहा है, अदरवाइज सारे 0 है ना। तो इस वाले लॉजिक को लेते हुए अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो हमने इधर क्या लिया है कि हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर 25H स्टोर है, ठीक है, और जो हमारे B रजिस्टर के अंदर 02 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब इनको हम एंड ऑपरेशन इनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 25H है इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया यहाँ पे। 2 का क्या बन जाएगा 0010 और 5 का क्या बन जाएगा 0101, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हमने B का इक्विवेलेंट लिख लिया, क्या है 0 आ जाएगी इधर तो ऑब्वियसली 0 है, और 0010 इज 2, ठीक है। तो अब इनका हम एंड ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो अब देखो 0 मैंने क्या बताया था, जब दोनों हाई होंगे यानी कि 1 1 है तभी हमारा 1 आ रहा है, अदरवाइज हर एक में 0 फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा 0 फिल कर दो, ठीक है। ऐसे ही फिर से 0 आ जाएगी, 10 अगेन 0 बन जाएगी करते रहो साथ में तुम लोग भी, है ना। 00 क्या बन जाएगा, फिर से 0 बन जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो कहीं पर भी हमारे दोनों हाई नहीं है तो इसका पूरा का पूरा ही हमारा 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी जगह पे हमारा 1 1 होता तभी हमारा आंसर में 1 आता, अदरवाइज हमारे सारे 0 बन जाएंगे। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा क्या किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यार ये थी। सेकेंड इज अवर ANAM। अब मेमोरी की बात हो रही है तो मेमोरी की बात आती है, हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, हमारे HL पेयर पे, है ना। HL पेयर जिस भी डाटा को पॉइंट कर रहा है, मतलब मेमोरी लोकेशन को कहीं पॉइंट कर रहा है, उधर उस जगह पे जो हमारा डाटा स्टोर्ड है वो उठ करके हमारे एक्यूमुलेटर के साथ में हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा सिमिलर वे में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और फिर हम ऐसे करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सिमिलर वे में हमारी थर्ड क्या कह रही है, ANI। अब I आया फिर से तो इसका मतलब इमीडिएट डाटा दे रखा होगा, और डाटा क्या दे रखा है 35H। तो सिमिलर वे में 25H के साथ हम क्या कर देंगे 35H का एंड कर देंगे। इजी है ना बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस ये वाली, सिर्फ हमें ट्रूथ टेबल्स याद होनी चाहिए, है ना। अच्छा अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो हमारी और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो और B करना है, फिर से हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर यही वैल्यू स्टोर है और B के अंदर भी यही है। तो हमारा और ऑपरेशन क्या बोलेगा कि भाई किधर भी हमारा एक भी इनपुट अगर 1 है ना तो हमारा आउटपुट भी हमें 1 दे दो, है ना। जब दोनों के दोनों हमारे लो इनपुट्स रहेंगे तभी हमारा आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज जहां पर भी 1 है वहां पे हमारा हाई आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किधर किधर 1 है हमारा। यहाँ पे एक 1 आ गया, डायरेक्ट 1 भरो, फिर एक और 1 आ गया, फिर से 1 भर दो, 1 आ गया 1 भरो, है ना। साथ साथ कर रहे हो ना तुम लोग। 00 का मतलब क्या 0 आ जाएगा, फिर से 00 का मतलब 0 आ जाएगा, फिर 1 आ गया एक और तो 1 आ जाएगा, और ऐसे ही ये दोनों हमारी 0 बन जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा और ऑपरेशन इसके ऊपर। समझ आया होगा आई थिंक तुम्हें, है ना। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं भाई, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हम। तो और ऑपरेशन ऐसे हमारा बी के साथ परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली हमारी मेमोरी आ जाती है, फिर से एच एल पेयर पे जाएंगे। एच एल पेयर हमारा जहाँ पर भी मेमोरी के अंदर पॉइंट कर रहा होगा उस वाले डाटा को उठा करके हम क्या कर देंगे, हमारे एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, है ना। ये यार मैं एच एल पेयर वाली बात वापस से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पिछली वाली जो 2 वीडियोज है उसके अंदर मैंने यही सब गाया है ना, तो अगर वो नहीं देखी है तुमने तो देख लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही हम करते हैं कि और ऑपरेशन किसके ऊपर, इमीडिएट डाटा के ऊपर, यानी कि 35H दे रखा है तो 35H को पहले हम बाइनरी इक्विवेलेंट बनाएंगे, उसके बाद हमारे एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा स्टोर है उसके साथ सेम और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इजी है ना, बिल्कुल। इसके बाद फिर हमारी आती है एक्सॉर। तो यार अब जो हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है ये क्या कहता है कि टेबल देखो, इसकी टेबल ध्यान से कि भाई जहाँ पर भी हमारे सिमिलर इनपुट्स है ना वहाँ पे हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी, है ना। यानी कि जहां पर भी हमारा 1 1 है या 0 0 है वहां पे हमारी 0 आएगी, अदरवाइज हमारे 1 आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे फिल करो कि जहां पे भी सिमिलर है वहां पे 0 लगा दो, सबसे पहले 0 0, फिर यहाँ पे भी 0, अगेन 0, और देखो और सभी में क्या है, डिफरेंट इनपुट्स हैं, वहां पे हम 1 लगा देंगे, है ना, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। कोई भी एक लॉजिक याद कर लो दोनों में से कि जहाँ पे सिमिलर है वहां पे 0 आ जाएगा, अदरवाइज जहाँ पे डिफरेंट है वहां पे 1 आ जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है ना। कोई भी एक लॉजिक तुम्हें जो अच्छा लगे वो याद करके हमारा ऐसे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर से सिमिलर वे में हमारी मेमोरी आ गई है, मेमोरी एचएल पेयर के साथ कनेक्टेड है ना, वही वाला सिस्टम हो जाएगा हमारा। और जो हमारा 35H है ये हमारा फिर से इमीडिएट डाटा दे रखा है तो इसको पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में और एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ कर देंगे अपना। आई होप तुम्हें ये समझ आ गए है ना, सारे एक ही जैसे से हैं और इजी थे बिल्कुल। हमें सिर्फ ट्रुथ टेबल्स याद होनी चाहिए और लॉजिक्स पता होने चाहिए, आगे तो हम कर ही देंगे, राइट। अच्छा अब जो ये वाले इंस्ट्रक्शंस है ना यार, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे तो, एटलीस्ट इनको परफॉर्म करने में मजे आते हैं। तो ये क्या कह रही है कि RLC रोटेट लेफ्ट विद कैरी। अब एक बार फिर से मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगी। तो अब ये देखो यार मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक 8 डिजिट नंबर लिया है, मतलब 8 बिट नंबर लिया है, सॉरी। तो ये और एक साथ में लिया मैंने एक कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ये हमारा एक कैरी फ्लैग का स्पेस है, साथ में ये वाली जो हमारी D7 होती है, मतलब जो राइट लेफ्ट मोस्ट है हमारी बिट, इसको क्या बोलते हैं हम MSB, यानी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लास्ट वाली रहेगी यानी कि D0 रहती है हमारी क्या, LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो अब ये कह रही है इंस्ट्रक्शन हमारी कि रोटेट लेफ्ट विद कैरी। क्या कह रही है कि यहाँ से यहाँ पे जाए हमारा डाटा, ठीक है, फिर इधर से जंप करे इधर, ये वाले को भगा देंगे इधर, ठीक है। मतलब ऐसे करता करता जंप करता करता ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे करता करता हमारा यहाँ पे गया, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा एक एक शिफ्ट होते रहेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ देखो क्या होगा कि ये वाला जो बिट थी ये चली जाएगी हमारी कैरी फ्लैग के अंदर और यही MSB वाली ही जाएगी हमारी LSB के अंदर। ये वाला लॉजिक हमें याद रखना है यहाँ पे, यानी कि एक 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 शिफ्ट कर दिया सभी में, ठीक है। ये वाली जो MSB रहेगी वो हमारी कैरी फ्लैग में भी जाएगी और MSB ही हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बनेगी। तो अब इस नंबर को मैं कैसे लिख रही होंगी कि ये वाला आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही करते करते जंप करते रहेंगे ये, है ना। और फिर जो ये हमारा लोअर निबल से हमारा हायर निबल पे जाएगा 1 बिट, और फिर ये वाली जो बिट है ये लास्ट में आएगी। तो इसको मैं लिखूंगी तो ये देखती हूँ मैं 1 देन 0, फिर 1 आ गया, फिर अब ये क्या हुआ, जंप करेगा आगे वाली बिट पे, तो ये थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा यहाँ पे 1, देन अगेन हमारा 0 0 एंड 0, ये हमारा खत्म हो गया। अब ये वाली डिजिट के साथ हमने क्या करना है, ये जाएगी हमारी लास्ट में, है ना, ये इस वाली जगह पे जाएगी। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे लास्ट में एक और 1, और यही हमारी जो डिजिट रहेगी ये हमारा कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगा, यानी कि CF की जो वैल्यू आएगी हमारी वो भी हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। कैरी फ्लैग हमारा हो जाएगा 1 सेट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन रहेगी ना यार, तुम्हें पहले ये बताओ कि समझ आ गया ना लॉजिक क्या किया मैंने, डायग्राम से तो और अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से। इंटरेस्टिंग थी ना हमारी ये वाली। तो बेसिकली क्या इसके अंदर डिसएडवांटेज रहेगी कि जो हमारा कैरी फ्लैग है ना यार, ये हमारा प्रिजर्व नहीं रह पाता है, मतलब ये चेंज होता रहता है, और हमारा जो लास्ट कैरी फ्लैग सेट था या रीसेट था ये हमें पता नहीं लग पाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये डिसएडवांटेज है। अब ये वाली अगर समझ आ गई है तो नेक्स्ट वाली भी आ जाएगी। ये क्या कह रही है हमारी, रोटेट राइट विद कैरी। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, MSB से शिफ्ट होती हुई LSB की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम ऑपरेशन है, बस राइट की तरफ मूव करना है हमें, ठीक है। ये भागते रहेंगे हम ऐसे करते करते, यहाँ से भाग जाएंगे इधर, और ऐसे ऐसे जंप करते करते फाइनली हम जाएंगे कैरी फ्लैग तक, ठीक है भाई। समझ तो गए हो तुम क्या करना है ना। ऊपर वाली अगर समझ आ गई तो ये भी आई जाएगी। तो बस डिफरेंस अब इधर क्या आया है कि हमारा जो LSB है वो जाएगा हमारे कैरी फ्लैग के अंदर, और LSB ही जाएगा हमारे MSB के ऊपर, है ना। यानी कि D0 की जो वैल्यू है वो D7 पे चली जाएगी। बस ये हमारा एक रोटेशन सी पूरी हो जाती है, इसलिए इसको रोटेट बोलते हैं ना। रोटेट राइट विद कैरी है, रोटेट लेफ्ट विद कैरी। लॉजिक तुम्हें समझ आ गया, और परफॉर्म तुम ऐसे कर ही लोगे जैसे मैंने ये बताया था अभी, ऐसे ही हमारा सेम राइट की तरफ करना है, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट देखो क्या कह रही है कि रोटेट अरिथमेटिक लेफ्ट। इसके अंदर जो रहेगा ना यार, पिछली वाली में हमने क्या डिसएडवांटेज देखी कि जो हमारा कैरी फ्लैग था वो प्रिजर्व नहीं रह रहा था, इसके अंदर प्रिजर्व रहेगा। तो देखो इसके अंदर कैसी रोटेशन होगी हमारी, सेम वैसे ही जंप करेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, है ना। इधर से इधर जा रहे, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर गए, ठीक है। ये वाली सेम रहेंगी, बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे पहुंचने के बाद कैरी में भी ये जाएगी, और जो कैरी रहेगा ना वही हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी यही बन जाएगी, ठीक है। हमारी ये वाली जंप सेम रहेंगी, बट एट द सेम टाइम हमारा जो कैरी फ्लैग है ना ये भी हमारा रोटेट हो रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। कि मान लो हमने अब क्या किया, दो बार अगर हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारा कैरी फ्लैग भी साथ साथ ही घूम रहा है हमारा, है ना। तो अगर राइट की तरफ वापस से हम मूव कर देंगे इन्हें, तो क्या हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिल जाएगी? सोच के देखो एक बार, है ना। मान लो ये वाला एग्जांपल लिया था कि हमने ये सारे 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 आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए, फिर वापस इनको पीछे की तरफ बैक शिफ्ट कर दिया, तो हमें यही वाली ओरिजिनल वैल्यू वापस नहीं मिल जाएगी, है ना। तो इसके अंदर हमारा कैरी फ्लैग जो है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। हमने जो CF की वैल्यू है इसको भी साथ साथ रोटेट किया है, ठीक है। इसके अंदर बस यही डिफरेंस है, और पिछली वाली की तरह ही रहेगी ये बिल्कुल। और सेम वे में क्या हो जाएगी हमारी, रोटेट अरिथमेटिक राइट, यानी कि इसकी बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, है ना। वही ये जो डायग्राम बनाया था ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट होएगा। बस अगर ये समझ आया तो फिर आगे चलते हैं हम। क्या है हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वेरी इजी, देखो खत्म भी हो गई। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी इतनी सी थी। देखो CMPB, ये क्या कह रही है, कंपेयर B। अब कंपेयर किसके साथ करेंगे, फिर से वही बात, अगर हमें कोई वैल्यू नहीं है साथ में तो हमारा क्या होगा, हमारे एक्यूमुलेटर की बात हो रही होगी, है ना। एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ हम B के डाटा को कंपेयर कर देंगे इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो कंपेयर करने का मतलब ऑब्वियसली हम ये देख रहे होंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा डाटा है। क्या मैं A-B कर दूं? अगर A-B कर दूंगी और अगर मेरा पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है, तो मतलब A की वैल्यू बड़ी है। अदरवाइज अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो B की वैल्यू बड़ी है ना। मैं केसेस लिख देती हूँ, रुको। तो अब यार ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देखो A-B करेंगे तो हमारे 3 केस बन सकते हैं ना। या तो हमारे A की वैल्यू इससे B से बड़ी आ जाएगी, या तो ये दोनों फिर सेम ही वैल्यूज होंगी, है ना, A=B भी हो सकता है, या फिर A की वैल्यू हमारी B से स्मॉल होगी, है ना। तो ये कैसे पता लगेगा, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू में से B को माइनस किया हमने और ग्रेटर वैल्यू है, यानी कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है अगर, ठीक है, तो यानी कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्या है, जो हमारी A की वैल्यू है वो बड़ी है। हमारे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हमारी A की वैल्यू छोटी है B से। अब इस वाले केस का कैसे पता लगेगा, ठीक है, तो अगर 0 फ्लैग सेट है, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है, जीरो फ्लैग कैसे सेट होता था, याद करो, जब हमारा रिजल्ट है ना, रिजल्ट क्या आ रहा होता था, जीरो आ रहा होता था, तो हमारे ZF की वैल्यू 1 हो जाती थी। याद है ना, फ्लैग्स पढ़े हम सभी ने, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देख सकते हो तुम। तो हमें ये तीन केसेस इसके अंदर कंपेयर वाली में करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया ये भी। फिर इसके बाद हमारी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमें कहती है कि CMI 45H यानी कि कंपेयर कर दो इमीडिएट डाटा को। हमारा इमीडिएट डाटा दे रखा है, जहाँ पे भी हमारा आई आ जाता है वहाँ पे हमारा इमीडिएट डाटा दे रखा होता है, तो एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। और लॉजिक मैंने ये बता दिया तुम्हें कैसे होगा, ठीक है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, बहुत थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी ना, और अच्छी वाली इंस्ट्रक्शन थी। मेरे को पता है तुम सभी को समझ आ गई होंगी। So thank you very much for watching this video till the end. I will leave now और मिलते हैं next video के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे branching instructions हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तब तक के लिए bye bye and take care guys.